अस्सलाम वालेकुम, आई एम अदनान शोएब, फैकल्टी मेंबर एट कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 18 रिगार्डिंग द कोर्स इश्यूज इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, एंड टुडे इज आवर टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट. बट बिफोर गेटिंग टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई वुड जस्ट वांट टू रिमाइंड इट कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा क्या था, उसमें हमने शेयर होल्डर्स को इक्विटी को देखा था, कॉर्पोरेट डिविडेंड्स को देखा था, रिटेन्ड अर्निंग्स को देखा था और रिपोर्टिंग ऑफ इनकम्स को देखा था. देन वी हैव स्टडीड फर्दर रिगार्डिंग द डायल्यूटिव सिक्योरिटीज एंड अर्निंग पर शेयर. ऑन द कोर्स ऑफ डायल्यूटिव अर्निंग एंड सिक्योरिटीज पर शेयर, उसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था जी अकाउंटिंग सब्स्टिट्यूशंस या रिव्यूज क्या थे. तो हमने उसमें देखा था कि अकाउंटिंग ऑफ स्टॉक कंपनसेशन, जब भी हम ये स्टडी कर रहे थे तो इसमें हमने एक स्पेशल चीज जो थी दैट इज रिलेटेड टू आर ओवरऑल कंपनसेशन और स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, उसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल की थी. आई जस्ट नीड के उसे मैं एक दफा रिवाइज कर दूं, मे बी देर इज सम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो उसमें रहता हो. सो आई एम गोइंग टू रिपीट इट दैट स्पेसिफिक पार्ट और पोर्शन और दैट स्पेसिफिक सम एग्जांपल्स, सो यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग के किस तरह हो सकती है, जिसमें एक बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल थी. तो उसे हम चाह रहा हूं कि दैट नीड टू बी रीडू, ताकि हम उसे एक दफा और रिव्यू कर लें, ताकि अगर कोई इसमें कोई कमी रह गई है या किसी में अंडरस्टैंडिंग की कमी रह गई है तो यू कैन इजीली हैव अंडरस्टैंड. ऑल्दो इन द लास्ट ऑफ द लेक्चर, इन द लास्ट 32nd लेक्चर, व्हेन वी हैव कंप्लीटेड आवर कंप्लीट लेक्चर्स, इन द लास्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर इन दैट स्पेसिफिक लेक्चर. यानी वो सारा लेक्चर इसीलिए होगा कि जिसमें हम देखें कि हाँ जी हमने ओवरऑल क्या क्या पढ़ा है और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज या जो डिफिकल्ट या टेक्निकल चीज थी उसको हम लोग एक दफा रिविजिट दोबारा कर लें. तो हमने वो जरूर लास्ट लेक्चर में करना है. तो उसमें भी हम इस चीजों को कवर करेंगे जो डिफिकल्ट थी, बट फॉर द टाइम बींग एज यू आर कंटिन्यूइंग स्टडिंग और आपने अंडरस्टैंड भी करना हो, तो बिफोर दैट की अंडरस्टैंडिंग में कोई इश्यू आए, सो वी हैव जस्ट अरेंज्ड that we should again go through this specific topic. That example that you have done on your previous lecture, on October-November 1, 2011, the shareholder Chen Company approves a plan that grants the company 5 executive options to purchase 2,000 shares each of company 1 par value. The company grant option on January 1, 2012. Ab ye option mil gayi thi unhein. The executive may exercise option at any time within the next 10 year. ये option वो कभी भी 10 years में exercise कर सकते थे. The option price is $60 and the market price is $70. Under fair value method, the company computes total compensation expense by applying the acceptable fair valuation model. यानी compensation expense calculate करे by applying acceptable fair value option models. The fair value option model determines Chen total compensation expense of $220,000. Now $220,000. का हमारे पास टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस था. करंट एक्साइज प्राइस $60 थी, पार वैल्यू जिसकी थी वो $1 थी, एग्जैक्ट से एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस जो थी वो $70 थी, एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो परचेज करने दैट इज 2000, वो कितने थे 2000. सो अकाउंटिंग फॉर स्टॉक ऑप्शन कंपनसेशन, अज्यूम दैट द एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ बेनिफिट इज 2 years. हाउ मेनी ईयर्स इज दैट, इट इज 2 years स्टार्टिंग विद द ग्रांट डेट. चैन रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन ऐसे फॉलो है. अब जब हमारे पास 2 years है एक्सपेक्टेड बेनिफिट का, तो इसका मतलब कंपनसेशन एक्सपेंस जो है वो 2 साल में डिवाइडेड होगा. अब जब 2 साल में डिवाइड होगा तो 2,20,000 था, तो उसे 2 से डिवाइड किया तो कितना है 1,10,000. तो एंट्री वुड बी ऑन December 2012, दिस वन पेड इन कैपिटल स्टॉक ऑप्शन, एंड नेक्स्ट वन कंपनसेशन एक्सपेंस 1,10,000, एंड देन पेड इन कैपिटल स्टॉक ऑप्शन दैट इज 1,10,000. नाउ if Chen is going to exercise a option for the only 2000 shares of 10000 option, 10000 shares ki option sirf usme 2000 use kar raha hai wo, on June 1, 2015, 3 years and 5 months after the grant date, kitni din ke baad, 3 months and after the grant date, the company records the following generality, that is cash kitne ka 2000 into 60, kyunki 60 is the exercise price, so kitna aa gaya 1,20,000 प्लस पेड इन कैपिटल स्टॉक ऑप्शन. ये कहां से आया, दैट इज बीइंग सीन. अब हमारे पास कितना है यहां पे 3 years and 5 months आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने स्टॉक ऑप्शन को उसी हिसाब से ही कैलकुलेट करना है कि कितना हमारे पास कैलकुलेशंस में आएगा. सो अगर मैंने उसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंस कितना रखा था 55,000 रखा था, जब मैंने उसे 55,000 रखा था
तो उसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा दोबारा 44,000 में, तो किसका करूंगा, दैट मींस वी आर गोइंग टू गो फॉर द 80%। किसके लिए जा रहा हूं मैं, 80% की जा रहा हूं, कि जितना भी मेरे पास बच गया उसका 80% लूंगा बिकॉज ऑफ 5 months। 5 months का मैं 80% लूंगा। तो अगर मैं गौर से देखूं तो एक ईयर का मेरे पास कितना था, 110,000। 110,000 का एक ईयर, 1 ईयर का, तो 6 months का कितना हुआ, 55,000। जब मैं 55,000 का 80% लूंगा तो दैट मीन स्टॉक ऑप्शन इट वुड बी 44,000। दैट 44,000 कम्स ओवर हेयर एंड कॉमन स्टॉक इज ऑफ 2,000 एंड रिमेनिंग इज नोन एज पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। यानी कुछ चीजें हमने पेड इन कैपिटल से निकाली हैं, क्यों देखें, सारा का सारा कंपनसेशन एक्सपेंस कहां गया था, सारा का सारा कंपनसेशन एक्सपेंस गया था पेड इन कैपिटल स्टॉक ऑप्शंस में। अब स्टॉक ऑप्शन है पेड इन कैपिटल में गया, तो इसका मतलब है उधर से जब कैश आया तो पेड इन कैपिटल भी वापस आएगा। तो जब दोनों चीजें साथ साथ वापस आएंगी तो दैट इज योर ओवरऑल कंपनसेशन दैट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट बाय 44,000 44,000 बाय मल्टीप्लाइंग 55,000 विद 80%। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 80% से, तो हमारे पास आ जाएगा 44,000। देन एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन होगी तो तब क्या होगा, ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था, लेट्स सी वन मोर टाइम। इफ चेन्स एग्जीक्यूटिव फेल्स टू एक्सरसाइज द रिमेनिंग स्टॉक ऑप्शन बिफोर एक्सपायरेशन डेट द कंपनी रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। वॉट, पेड इन स्टॉक ऑप्शन 176,000। नाउ क्यों 176,000, बिकॉज उसमें से 444,000 जो कितना डाला था, टोटल हमने स्टॉक ऑप्शन में डाला था, दैट इज 220,000। 220,000 में से 44 निकाल दिया हमने, तो पीछे कितना बचा, 176,000। तो उसने सारा का सारा बाहर निकाला इसे। पेड इन कैपिटल इन एक्सपायर्ड, अब नया ऑप्शन बनाया है पेड इन कैपिटल इन एक्सपायर्ड, यानी जो चीज एक्सपायर हो गई जो हमने यूज नहीं की, so that is being used as 220,000 का हमने 80% ले लिया, तो that means to say कि जो 44,000 पिछली स्लाइड पे था that is of 20% of 220,000। कितने परसेंट था वो, 220,000 का 20% था, बिकॉज हमने सिर्फ 20% जो है शेयर्स आउट किए हैं उसमें से, 20% की हमने सिर्फ कॉल ऑप्शंस एक्सरसाइज किए हैं, तो वी ओनली यूज 20% ऑफ 220,000, दैट लीड्स टू 44,000। और जब यहां पे किया 220 का 80%, तो हमारे पास आ गया 176,000। सो दैट द दैट व्हाट आई वांट टू रिपीट इट इन आवर प्रीवियस सेशंस। हाउएवर टुडेज आवर लेक्चर इज अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट द इन्वेस्टमेंट इज एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द टॉपिक। हाउएवर देयर इज अ फर्दर फुल एलैबोरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी हैव bifurcated two parts of this lecture and one part is going to be in this lecture and the further part would be in the 19th lecture. In this lecture we are going to see the working in the form of investment, ki investment jab ki jati hai to unki working kaise ki jati hai, theek hai। Next mein hum dekhenge ki kaun kaun se issues involved hain रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, कि जब हम वर्क इश्यूज जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो इश्यूज जनरेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और क्या क्या किस तरह वो इश्यूज वर्क करते हैं। देयर आर सर्टेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आइडेंटिफाई द थ्री कैटेगरीज ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड डेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट फॉर ईच कैटेगरी। यानी कि हर टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटीज की हम किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं। अंडरस्टैंड देयर प्रोसीजर ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम अमोर्टाइजेशन, कि डिस्काउंट क्या होता है प्रीमियम क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज एंड डिस्क्राइब द अकाउंटिंग रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट फॉर दीज सिक्योरिटीज। एक्सप्लेन्स द इक्विटी मेथड एंड कंपेयर इट विद द फेयर वैल्यू मेथड। कुछ इक्विटी मेथड कहलाते हैं, कुछ फेयर वैल्यू मेथड कहलाते हैं, उन दोनों को हमने सेपरेट करना है और देखना है इनकी वर्किंग में क्या डिफरेंस एक्सिस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज में नहीं। हमने सिर्फ कंबाइन किया है विद द वर्किंग। इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज कैसे होती है, कुछ सिक्योरिटीज होती है दैट इज नोन एज हेल्ड टू मैच्योरिटी अवेलेबल टू सेल एंड ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। तीन तरह की डेट सिक्योरिटीज होती है। और इन्वेस्टमेंट ऑफ इन इक्विटी सिक्योरिटीज कौन सी होती है, होल्डिंग एन इश्यू इन 20%, होल्डिंग बिटवीन 20-50% एंड होल्डिंग फॉर मोर देन 50%। दैट इज वी आर गोइंग टू सी के हाँ जी ये होल्डिंग से क्या वैल्यूएशन में इफेक्ट करता है, वेदर वी गो फॉर द फेयर वैल्यू और वी गो फॉर द बुक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दीज होल्डिंग्स। सो फर्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स दोज सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड टू मेच्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अप्रोचेस, डिफरेंट मोटिवेशन फॉर इन्वेस्टमेंट टू अर्न हाई रिटर्न टू सिक्योर सर्टन ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एग्रीमेंट विद अदर कंपनीज। एक तो ये कि मैंने रिटर्न हाई यूज करना है, दूसरा क्या है टू हैव सर्टन ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स
विद अनदर कंपनीज. कई दफा आपको अपनी सब्सिडरीज का स्टॉक खुद होल्ड करके रखना पड़ता है टू गेट योर ओनरशिप इन दैट कंपनी. अब क्या होता है, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग अरेंजमेंट आपने सब्सिडरी को देना है, तो आप उसकी शेयर इश्यू कर देंगे या उसे शेयर के अगेंस्ट मनी प्रोवाइड कर देंगे. तो दैट इज टू सिक्योर द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग अरेंजमेंट. क्या आपने ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स करने हैं, और उसके लिए आप क्या कर रहे होते हैं, हायर रिटर्न्स भी कर रहे होते हैं और सर्टन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के लिए भी ये कर रहे होते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग. दैट इज द अप्रोच फॉर द इन्वेस्टिंग. कंपनीज कैन अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सिक्योरिटी, डेट और इक्विटी एंड देयर इंटेंट विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट. यानी उनका क्या इंटेंट होता है इन्वेस्टमेंट का. कहता है एक तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी पे होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट दो तरह के, टाइप ऑफ सिक्योरिटी आइदर इट इज अ डेट और इक्विटी, और व्हाट इज देयर इंटेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. यानी क्या इंटेंट है इनका इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट का इनका इंटेंट है. टाइप ऑफ सिक्योरिटीज के डेट एंड इक्विटी, दो चीजें दो सेक्शन अलग है. मैनेजमेंट का इंटेंट क्या होगा, नो प्लान टू सेल और प्लान टू सेल, दो चीजें होती हैं इसके अंदर, याद रखिएगा. या तो वो कहेगा कि सिर्फ सेल कर दें या सेल ना करें. अमोर्टाइज ऑलवेज बी एट कॉस्ट, किस पे अमोर्टाइज होता है ये, अमोर्टाइज ऑलवेज बी एट कॉस्ट मींस अमोर्टाइजेशन का मतलब है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें रिडक्शन या इसका जो भी डिस्काउंट या प्रीमियम वो अमोर्टाइज होता है. अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू पे इसका हमेशा ट्रीटमेंट होता है. हाउएवर इन द केस ऑफ इक्विटीज देयर इज अ प्लान टू सेल और एक्साइज सम कंट्रोल. यानी कि वहां पे सिर्फ प्लान टू सेल या नो प्लान टू सेल होता है डेट सिक्योरिटीज, बट इक्विटी में क्या होता है, या तो प्लान टू सेल बेचें आप या उससे अपने पास रख के एक्साइज ऑफ कंट्रोल करें. मैंने उस दिन भी कहा था, जैसे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है कि जब भी इक्विटी की बात हो रही है वहां पे आ रहा है एक्साइज सम कंट्रोल. इसका मतलब है इक्विटी होल्डर्स हैज अ राइट टू हैव एक्साइज सम कंट्रोल. सो दैट मींस मैनेजमेंट का इंटेंट क्या होगा, मेरे पास शेयर्स हैं तो मैं अब इसमें अपना कंट्रोल ऑर्गेनाइज करूंगा. इसीलिए तो कहते हैं कई दफा कंपनीज जो हैं वो 49% 51% शेयर, जैसे जिसके शेयर्स 51% होते हैं वो अगले दिन कंपनी में अपना आके हक देता है बिकॉज दे वांट टू एक्साइज देयर कंट्रोल. और सेकंड वन इज टू प्लान टू सेल, फेयर वैल्यू पे हमेशा ये इवैल्यूएट होते हैं और इक्विटी मेथड्स यूज किए जाते हैं फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल्स, यानी इक्विटी मेथड्स को यूज किया जाता है. नाउ डेट सिक्योरिटीज आर देयर, क्रेडिटर्स रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट्स इन डेट सिक्योरिटीज आर देयर. डेट सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स क्या हैं, यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज होती हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल डेट्स, कमर्शियल पेपर्स, दीज ऑल आर द डेट सिक्योरिटीज. अकाउंटिंग कैटेगरीज क्या आती हैं, हेल्ड टू मैच्योरिटी, ट्रेडिंग इन सेल और अवेलेबल फॉर सेल. दीज आर द थ्री कैटेगरीज, हेल्ड टू मैच्योरिटी, ट्रेडिंग एंड अवेलेबल फॉर सेल. These all things are included in the accounting categories. And types can use government securities, municipal securities, corporate bonds, convertible debts and commercial papers. These all things are included in our whole types. जो ये types हमारे पास exist करती हैं. Now, accounting for debt securities by category. कि इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज जब हो रही है तो उसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, तो हमने तीन कैटेगरीज ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हैं, हेल्ड टू मैच्योरिटी, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज एंड अवेलेबल फॉर सेल. तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, हेल्ड टू मैच्योरिटी, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज एंड अवेलेबल फॉर सेल. वैल्यूएशन क्या है, हेल्ड टू मैच्योरिटी की हमेशा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होती है, दोनों बाकियों की फेयर वैल्यू पे कॉस्टिंग होती है. बिकॉज जब ट्रेडिंग सिक्योरिटी है तो वो तो सेल परचेज हो रही है ना, और अवेलेबल फॉर सेल जो है वो फेयर वैल्यू पे हो रही है. तो दैट मींस अनरियलाइज होल्डिंग गेन्स और लॉसेस एग्जिस्ट करते हैं. फर्स्ट वन नॉट रिकग्नाइज्ड, रिकग्नाइज्ड इन नेट इनकम एंड रिकग्नाइज्ड एज अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम एज सेपरेट कंपोनेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी. नाउ देयर इज अनरियलाइज्ड होल्डिंग को कैसे रिकग्नाइज करना है, अनरियलाइज्ड हेल्ड टू मैच्योरिटी में जरूरत नहीं है, लेकिन रिकग्नाइज इन नेट इनकम का मतलब यह कि जितना भी उससे गेन और लॉस होगा ट्रेडिंग से तो हम उसे एज अ नेट इनकम में ऑर्गेनाइज करेंगे, और अवेलेबल फॉर सेल से जो हमें हमारे पास गेन रिसीव होगा उसे हम कहेंगे रिकग्नाइज्ड एज कॉम्प्रीहेंसिव इनकम. इसका अलग से हेड बनाएंगे और कहेंगे दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम एंड सेपरेट फ्रॉम शेयर, सेपरेट कंपोनेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी. यानी यह सेपरेट कंपोनेंट होगा किसका, शेयर होल्डर्स इक्विटी का.
अदर इनकम इफेक्ट क्या आएंगे, इंटरेस्ट व्हेन अर्न गेन और लॉसेस फ्रॉम सेल, यानी इंटरेस्ट व्हेन अर्न या गेन अर्न लॉसेस फ्रॉम सेल्स, वो सारे के सारे किस में आएगा आपका इनकम में. देन इंटरेस्ट व्हेन अर्न गेन एंड लॉसेस फ्रॉम सेल्स, यानी इंटरेस्ट जब भी आएगा गेन या लॉस होगा वो रिकॉर्ड होगा इनकम में. इंटरेस्ट व्हेन अर्न व्हेन गेन एंड लॉसेस फ्रॉम सेल, यानी इन तीनों कंडीशन में इनकम इफेक्ट पे सेम आएगा कि जब भी या तो इंटरेस्ट अर्न होगा तब भी इनकम इंक्रीज होगी और या तो गेन और लॉस होंगे तब भी आपके पास इनकम इंक्रीज करेगी. नाउ हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज आर देयर, कि हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं. क्लासीफाई अ डेट सिक्योरिटी एज हेल्ड टू मैच्योरिटी ओनली इफ इट हैज बोथ द पॉजिटिव इंटेंट एंड एबिलिटी टू होल्ड सिक्योरिटीज टू मैच्योरिटी. एक तो पॉजिटिव इंटेंट का मतलब है दैट यू वांट टू रिटेन दैट वन, आप इसे फौरन बेचना नहीं चाहते, उसे वाकई में पॉजिटिव है खरीदने के लिए और उसे होल्ड करना चाहते हैं फॉर देयर मैच्योरिटी. अकाउंटेड फॉर एंड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट नॉट फेयर वैल्यू, यानी अकाउंटेड फॉर कब होता है, एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट नॉट ऑन फेयर वैल्यू, यानी कि जितना भी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट थी वो उसके लिए ऑलरेडी जो है अकाउंटेड फॉर होती थी, नॉट फेयर वैल्यूज, जो भी फेयर वैल्यूज थी उस पर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे. अमोर्टाइज्ड प्रीमियम और डिस्काउंट यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड फॉर अमोर्टाइज्ड प्रीमियम या डिस्काउंट के लिए. अनलेस द स्ट्रेट लाइन मेथड यील्ड्स अ सिमिलर रिजल्ट, अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो मे बी वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करे. एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपके पास क्लियर आइडिया हो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्ड टू मैच्योरिटी. रॉबिन्सन कंपनी परचेज्ड 100,000 शेयर. नाउ रिमेंबर दैट दिस एग्जाम्पल शुड बी गो थ्रू ऑल दीज टाइप्स, हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल और ट्रेडिंग सिक्योरिटीज. सो इट्स बेटर यू शुड रिमेंबर दैट बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज द स्लाइड और गोइंग फर्दर वी वुडंट कम बैक. सो जस्ट रिमेंबर दैट कि ये एग्जाम्पल क्या थी. रॉबिन्सन कंपनी परचेज 100,000 एट 8% बॉन्ड ऑफ Ever Master Corporation on January 1, 2011 at a discount paying 92,278. The company matured January 1, 2016 and yield 10% interest in payable each July and January 1. यानी कि yield कितना दे रहे हो 10%, उस bond में कितना मिल रहा है 8%, bond mature कब करेगा on January 1, 2016 and yield is on, यानी उस पे जो return मिल रहा है that is 10%. Now पहले क्या था, bond purchase किस पे किए गए, 8% पे किए गए on January 1, 2011 for paying 92,278. अब bond जब mature होगा तो वो कितना yield देगा, 10%. Now अब you got confused कि यहाँ पे 8% भी आ गया 10% भी आ गया, ये दो interest क्या कर रहे हैं, 8% आपको interest दे रहा है. अगर मैं इंटरेस्ट और देखें और दूसरा बॉन्ड कितने पे दिए, 92,000 डिस्काउंट पे गया ना, 1 लाख पे तो नहीं गया. तो ये जो जितना डिफरेंस है फ्रॉम 1 लाख टू 92,278, ये डिफरेंस प्लस जो इंटरेस्ट दिए, इन सबको मिला के अगर मैं एक रेट ऑफ रिटर्न निकालूंगा तो वो बन जाएगा यील्ड. तो कह रहा है यील्ड जो वो दे रहा है वो है 10%. इंटरेस्ट इज पेएबल ईच जुलाई एंड जनवरी 1. रॉबिन्सन रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट एज फॉलो. फर्स्ट क्या करेंगे, डेट इन्वेस्टमेंट कितने की, 92,278, ये हमने क्या कर दी, डेट में इन्वेस्ट कर दिया, मींस हमने डेट परचेज कर लिया है जिसपे हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो हमने डेट इन्वेस्टमेंट कर ली. एंड कैश इज देयर, कैश देके ही खरीदी हमने, तो कैश दिया तो 92,278. नाउ अब क्या होगा, हमने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है. क्या करना है, हमने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है. मैंने भी बताया कि जब यील्ड की बात होगी तो वो दोनों चीजें रखता है, एक जो आपको डिस्काउंट मिला है प्लस जो आपको इंटरेस्ट मिला है, दोनों चीजों को हम एड अप कर रहे होते हैं. गौर से देखिएगा इसमें, जब इंटरेस्ट रेवेन्यू की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वो इंटरेस्ट रेवेन्यू की बात कर रहा है, तो इंटरेस्ट रेवेन्यू इंक्लूड्स बोथ योर डिस्काउंट एंड योर इंटरेस्ट, किस किस को, योर डिस्काउंट और योर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट तो क्लियर है कि आपको 1 लाख के ऊपर 8% मिल रहा है और 1 लाख का आप 8% निकालें तो वो 4,000 आता है, ये तो आगे जी कैश रिसीव जो हर 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा. नॉट टॉकिंग अबाउट जो पीछे हम लोगों ने डिस्काउंट किए, डिस्काउंट भी तो है ना, वो डिस्काउंट भी वक्त से वक्तन फवक्तन या ऐसा ऐसा हमें रिसीव होता जाएगा. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर फर्स्ट फाइंड के इंटरेस्ट रेवेन्यू हमें कितना आएगा. जब मेरे पास 92,278 मैंने टोटल लिए तो इसका, इस पे मुझे यील्ड कितनी मिल रही है, 10% मिल रही है, कितनी मिल रही है,
10% मिल रही है, तो 10% जो यील्ड मिल रही है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 92,278 को विद 10% और सिर्फ 6 महीने का निकालूंगा, क्यों 6 महीने का निकालूंगा, बिकॉज हमें हर 6 महीने बाद रिसीविंग हो रही है, इट्स सेमी एनुअली यू कैन से, पहले पहले महीने फिर सातवें महीने फिर पहले महीने फिर सातवें महीने फिर पहले महीने फिर सातवें महीने, इसका मतलब दैट मीन्स हाफ ईयरली, तो इसका मतलब है 92,278 into योर 10% into 6/12, 6/12 क्यों बल्कि बिकॉज ऑफ हाफ ईयरली या 1/2 आप कर लें, तो वो निकाला तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4,614। अब इसमें से जब हमने कैश रिसीव निकाला तो हमें 1 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 8% मिल रहा है, तो वो दैट लीड्स टू 8,000 और 8,000 को मैं सेमी एनुअली यानी डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना बचता है 4,000, तो 4,000 और हमारे पास टोटल इंटरेस्ट रेवेन्यू कितना आ रहा है 4,614, तो जब मैं माइनस करूंगा 4,614 में से कैश रिसीव्ड जो पीछे बचेगा उसे कहूंगा दैट इज नोन एज माई बॉन्ड डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन, कि जो मुझे डिस्काउंट मिला था उसमें से इतना पोर्शन मुझे इस दफा मिल गया है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स, इसीलिए हमने गौर से देखें 92,278 था ना, उसमें 614 एड अप कर लिए तो हमारे पास क्या आ गया 92,892, यानी ये वाली वैल्यू हमें रिसीव हो गई है बाय इंक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ बॉन्ड, उनकी बॉन्ड, क्योंकि देखें पहले जब मिला था तो हमने कैरिंग अमाउंट ही लोअर की थी ना, तो यहां पे हमने कैरिंग अमाउंट ही बढ़ा दिए, सेम इज द केस विद अदर वन 4,4645 किसका लिए हमने, ये अब यहां पे देखिएगा जो 92,892 डी है ये आप देखिएगा तो यहां पे उसे हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, मल्टीप्लाइंग इट बाय ओवरऑल यू कैन से 10%, किससे मल्टीप्लाई किया हमने 10% से, तो 10% जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास और डिवाइड बाय 6 किया बिकॉज इट्स 6 ईयरली, तो उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 4,645, अगेन माइनसिंग द कैश रिसीव दैट रिमेन्स द सेम 4,000, तो पीछे बच जाएगा दैट इज 645, दैट इज 93,537। नाउ बी केयरफुल दैट विद दिस ओवरऑल शेड्यूल, अब गौर से देखें तो हर जगह पे उसकी इंटरेस्ट रेवेन्यू चेंज होता जा रहा है जिसकी वजह से डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स प्रीमियम भी चेंज, बॉन्ड डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन भी आपका बढ़ता जा रहा है, देखें स्टार्ट में 6144 था, देन इन द नेक्स्ट ईयर दैट इज 645 हो गया था, देन इन द लास्ट यू कैन सी दैट इट्स 952, यानी बॉन्ड डिस्काउंट कितना हुआ 952 है, और उसी उससे पहले ईयर में कितना था कैरिंग अमाउंट दैट इज ऑन 1/7 यानी कि पहली जुलाई 2015 को कितना था 99,048, that is the carrying amount of bond. So that is the table that is going to be used. हम इस टेबल में से ही आगे जनरल एंट्रीज के लिए वैल्यूज निकालेंगे. So be careful about this table and this is taken from your book of KCO by KCO and Wargett and that is of Intermediate Accounting 14th edition by mostly it is famous about the KCO 14th edition. So you can see that table over there. I have picked that table from there. Now first entry, cash 4,000 gaya. First thing kya cheez milegi hame? Debt investment. Kitne ki thi? 614,000. Ye hamari kya ho gayi hai? Badh gayi hai itni amount se. To debt investment kya karenge? Debit kar denge. Because itni amount se badh gayi hai. Aur interest revenue kitna receive hua hai? 4,614. That is on the July entry. Lekin jab hum July se aage December 31st ko jayenge. Tab kya entry karenge? Let's see. December 31st, first thing, सबसे पहले क्या करेंगे हम इंटरेस्ट रिसीवेबल 4,000 का, बिकॉज 31st दिसंबर को आप ड्यू है, पहली जनवरी को मिलना है, 31st दिसंबर को आपका ड्यू है, तो क्या आएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल, डेट इन्वेस्टमेंट अगेन कितनी अमाउंट की थी दैट इज 645, जैसे हमने पिछले टेबल में देखा था 614 के बाद क्या आ रहा था 645 आ रहा था, एंड दैट टोटल कम्युलेट्स टू फॉर्म इंटरेस्ट रेवेन्यू, ये क्या कहलाएगा हमारा इंटरेस्ट रेवेन्यू दैट इज 4,645, यानी ये हमने एंट्री पास की 31st December 2011 को, रिपोर्टिंग ऑफ हेल्ड टू मेच्योरिटी सिक्योरिटीज किस तरह रिपोर्टिंग की लेट्स सी,
करंट एसेट में इंटरेस्ट रिसीवेबल आ जाएगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डेट इन्वेस्टमेंट या हेल्ड टू मैच्योरिटी पूरी की पूरी कंप्लीट आ गई। नाउ वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, दैट इज ऑफ 93,537, दैट इज द सेम इन द नेक्स्ट, जब भी हमारा कंप्लीट होगा तो उस वक्त हम लोग कितना पुट कर देंगे सर, 93,537। जैसे हमारे पास क्या था, 92,271 आई थिंक सो इतना था, उसमें हमने पहले 6614 ऐड किया था, देन 645, तो ऑटोमेटिकली वो कितना हो गया था 93,537, क्योंकि दो पीरियड गुजर चुके थे, दो 6 months गुजर चुके थे। और इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा, इंटरेस्ट रेवेन्यू ऑफ 9,259 वुड बी एडेड, यानी इतना इंटरेस्ट रेवेन्यू हम ऐड करेंगे। किस तरह ऐड किए, 4614 एंड 4645 दोनों को ऐड किया, कितना बना, क्योंकि दो पीरियड गुजर चुके थे ना, तो दैट इज 9,259। नाउ अगेन सेम एग्जांपल इज बीइंग कंटिन्यूड, अज्यूम दैट रॉबिन्सन कंपनी सेल्स इट्स इन्वेस्टमेंट इन एवर मास्टर बॉन्ड ऑन नवंबर 1 2015 एट 99,3/4 प्लस इनक्रूड टैक्स, यानी कितने में खरीदे, यानी टोटल वैल्यू का 99.75% प्लस अक्रूड इंटरेस्ट इतने में बेचा है, तो रॉबिन्सन रिकॉर्ड्स व्हाट ट्रांजैक्शन, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 99.75 मल्टीप्लाई बाय 100,000, यानी 100,000 को उसने किस पे सेल किए, 99.75 पे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया दैट इज द वैल्यू प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। अब अक्रूड कैसे निकालेंगे, पेमेंट तो हुई होगी जुलाई 1, 2015 को, उसके बाद जुलाई का महीना आ गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अभी गुजरा नहीं है, 1st November है, कितने महीने हुए, 4 महीने हुए, तो इसका मतलब है अक्रूड इंटरेस्ट कितने का होगा, 4 महीने का होगा, कितने का होगा, 4 महीने का। लास्ट में जब हमने देखा था उस टेबल में, तो लास्ट में क्या वैल्यू आ रही थी, 952 डॉलर आ रही थी। अब 952 डॉलर जो है वो तो 6 महीने की थी, लेकिन हमें कितनी चाहिए, सिर्फ 4 महीने की चाहिए, वी जस्ट नीड ऑफ 4 months, और 4 months की चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 4/6 मल्टीप्लाई इट बाय 952, सो वी गेट अक्रूड इंटरेस्ट, वो अक्रूड इंटरेस्ट मैं ऐड करूंगा इस वैल्यू के अंदर, जो वैल्यू मैंने फाइंड की है बाय मल्टीप्लाइंग 100,000 इनटू 99.75, 3/4 मींस 9.75, ओके, सो दैट इज द वैल्यू, डेट इन्वेस्टमेंट 635 आई है, देखिएगा अभी कैसे आती है, इंटरेस्ट रेवेन्यू कितना आया, दैट इज 635, ये देखें नीचे मैंने वही किया, 952,000 into 4/6 equals to 635. ये मेरे पास वैल्यू आई है इसकी, दैट इज 635. नाउ दैट इज द वैल्यू, और ये मैंने एक रूड इसमें से इंटरेस्ट निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या आ रहा है, दैट इज यू कैन सी दैट 99,750 आपके पास ओरिजिनल वैल्यू थी, कितनी की, क्योंकि उसने सेल कब की है, नवंबर में, सेलिंग प्राइस क्या मिली है 99,750, बिकॉज 99.75 पे उसने बेच दिया है 100,000 के बॉन्ड्स को। अब जब बॉन्ड्स को बेच दिया तो बुक वैल्यू कितनी थी उस टाइम, जाहिर बात है बुक वैल्यू कौन सी एंटर्ड होगी, जो उससे पिछले में एक साथ की एंटर्ड है, वही बुक वैल्यू आएगी ना, उससे नेक्स्ट बुक वैल्यू तो नहीं आएगी, यानी मींस टू से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो उसकी जुलाई की जो 2015 की जो वैल्यू है दैट वुड बी शोन, उससे बाद वाली तो वैल्यू अभी आई नहीं है, क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वो बेच रहा है, तो इसका मतलब है जुलाई वाली शो हो रही है, जुलाई की कितनी होगी वहां पे 99,048, ये आ गई। और साथ ही वो कह रहा है डिस्काउंट ऑन अमोर्टाइजेशन 4 महीने का, कितने महीने का, 4 महीने का जो है वो डिस्काउंट ऑन अमोर्टाइज डिस्काउंट बता रहा है, और वो कितना निकाला है, जैसे हमने पिछली एंट्री पास की है, दैट इज ऑफ 635 डॉलर्स, जैसे हमने ये पिछली एंट्री पास की, डेट इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू, तो यहां पे आ गया 99,048 प्लस 635, टोटल फॉर्म्स 99,683, जो डिफरेंस है उसे कहेंगे गेन ऑन सेल ऑफ बॉन्ड, इतना हमें गेन हो रहा है, जाते 67 डॉलर्स। नाउ वी आर गोइंग टू पास द बिग एंट्री, बिग एंट्री कैसे पास हो रही है, देखिएगा कैश कितना है, 102,000, हाउ डज इट कम, ये कैसे आया कैश, 102,417, कितना आया ये, 1,02,417, ये कैसे आया, 99,750 प्लस इंटरेस्ट कितना मिलना था 4 महीने का, 4,000 रिसीव होना था, कितना होना था 4,000, तो इसका मतलब है 4 महीने तो गुजर गए, तो हम सिर्फ 4,000 में से किसका निकालेंगे, 4 महीने का निकालेंगे, और जब 4 महीने का निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा इंटरेस्ट रेवेन्यू, दैट इज ऑफ 2,667, यही कर रहे हैं ना वो। एंड साथ ही
किसका आ रहा है ये? डेट इन्वेस्टमेंट 99,683 की. क्यों आ रही है इसकी? बिकॉज हमने बुक वैल्यू को एडिशनल सेट किया. और नेक्स्ट इज गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट्स 99,750, जिसमें से हमने गेन को सेपरेट एंटर किया और डेट इन्वेस्टमेंट जितने से एन हुई थी उतने से ही आउट होगी ना. तो जब उतने से ही आउट हो रही है तो दैट मीन्स वी हैव $67 ऑफ गेन. सो दैट इज द होल एंट्री दैट विल बी पास फॉर हेल्ड टू मेच्योरिटी. देन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, कुछ और सिक्योरिटीज भी होती हैं. दैट मीन्स कंपनी रिपोर्ट अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी एट फेयर वैल्यू. ये किस पे रिपोर्ट होती हैं? फेयर वैल्यू पे अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम. जो भी इसमें से अनरियलाइज्ड गेन या लॉसेज होंगे वो कॉम्प्रीहेंसिव इनकम के तौर पे शो होंगे. एनी डिस्काउंट और प्रीमियम शुड बी अमोर्टाइज. जो भी डिस्काउंट या प्रीमियम होगा वो भी अमोर्टाइज होगा. लेट्स सी विद द एग्जांपल. नाउ वी आर कमिंग विद द न्यू एग्जांपल. Graf Corporation purchases $100,000 10% 5-year bonds on January 1, 2011 with the interest payable on July and January 1. Kab interest payable hai? On July 1 and January 1. Yani July 1 aur January 1 ko hum pay karenge. The bond sells for $108,111 which results in bond premium of $811,111 and an effective interest rate of 8%. Graf record the purchase of bond on January 1. क्या कर क्या रहा है? उसने purchase किया 100,000 10% 5-year bonds on January 1, 2011 with the interest payable कब कब है? Semi annually. Bond कितने का sale हो सकता है? 108,111 which results in bond premium of 800,111 and have an effective interest rate of 8%. Now that effective interest rate is also being there. यानी दैट इज द इफेक्टिव, यानी कि जो यील्ड मिल रही है हमें. ग्रेफ रिकॉर्ड द फॉलोइंग एंट्री. क्या एंट्री करेंगे? सबसे पहले डेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डेट इन्वेस्टमेंट की है. एंड फर्स्ट वन कैश 108,111, दैट इज द सेम एंट्री एज हेल्ड टू मेच्योरिटी. देन मूविंग टूवर्ड्स जनवरी 1 को खरीद लिया, तो अब उसके बाद हमने इसकी पेमेंट ही करनी है. एंट्रीज अगेन वही शेड्यूल बनाए और उसी तरह शेड्यूल बनाए, कोई चेंजेस नहीं आई है. कितने की बिकी थी? 108,111 की बिकी थी. इंटू 0.08 उसका क्या था? यील्ड. और इंटू 6/12 तो हमारे पास आ गया इंटरेस्ट रेवेन्यू, जिसमें से हम कैश रिसीव कितना आ रहा है? 5,000, क्योंकि 10% रेट था ना. 1,00,000 का 10% लें तो 10,000 आता है. 6 मंथ्स का लें तो 5,000 आता है. तो अब हमने जो डिफरेंस था वो क्या कहला दिया? बॉन्ड प्रीमियम. क्या कहला दिया उसे? कि बॉन्ड के ऊपर हमें क्या मिल रहा है? प्रीमियम मिल रहा है, एडिशन हो रही है. तो यानी कि इसका मतलब है हमारे बॉन्ड की आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू अब डिक्रीज होगी, क्योंकि हमने किया क्या था? हमने किया था कि उसे 1,00,000 से ऊपर बेचा था. तो इसका मतलब है जो 1,00,000 से ऊपर बेचा तो इसका मतलब है मैंने उसकी वैल्यू ज्यादा लगाई. एंड द फुल थिंग्स वुड गॉट रिवर्स्ड. जब भी वो रिवर्स होगी चीजें तो सारी की सारी अगेन यू कैन सी दैट कि 108,111 फुली टोटली रिवर्स होती जाएंगी. सो दैट मींस 108,111 माइनस 676, तो दैट मींस वी हैव 107,435. ये हमारे पास एक्चुअल में वैल्यूज आएंगी. ठीक है, यानी कि हम लोग जो चीजें देखें, हमने एडिशनल वैल्यू रखी थी 1,00,000 से ऊपर, तो वो हमें आहिस्ता आहिस्ता क्या मिल रही है? रिसीव होती जा रही है. और जब मेरे पास वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें रिसीव होती जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि मैं उसे रिड्यूस करता जाऊंगा ना, क्योंकि मैंने पहले क्या था, हमने बेचा थोड़े पे था तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी थी वैल्यू. अब हमने बेचा ज्यादा पे तो आहिस्ता आहिस्ता कम करके 1,00,000 पे लेके आने से, यानी पहले हम रिड्यूस से 1,00,000 तक आ रहे थे, नाउ हमने पहले ही उससे ज्यादा ले लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता पर ईयर प्रीमियम काउंट होते होते बैक पे आ रहे हैं. दैट व्हाट आई एम गोइंग टू से अवेलेबल, जिसे कहा जाता है अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज. और यहां पे हम लोग जितना भी डिफरेंस है उसको यहां पे एडजस्ट करते जा रहे हैं. एंड द सेम थिंग हैपेंस, सारा का सारा सिस्टम वही वर्क कर रहा है जिस तरह पहले सिस्टम था, जो ऑलरेडी हमने इसी तरह की चीज की थी हेल्प टू मेच्योरिटी में. व्हेन देयर इज अ डिस्काउंट, नाउ देयर इज अ प्रीमियम. Now, illustration. Again, the same illustration is going, the entry to record interest revenue on July 1. So, interest revenue ke liye kya entry karenge? First of all, cash jitna receive hua 5,000. Then, that investment ab reduce ho rahi hai. Debit nahi karna. Reduce ho rahi hai. Yaad rakhiyega is cheez ko. To wo dekhen, credit hogi ab. Kyunki reduce karni, kam karni hai. Pehli zyada le li thi, 108 pe chale gaye the hum. Agar kam hote to tab badhate na 1,00,000 ke liye. Ab to zyada chale gaye, reduce karte jayenge.
और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट, सो दैट मीन्स वी हैव दैट मच ऑफ इंटरेस्ट रेवेन्यू, ये हमने जुलाई में एंट्री पास करनी है. नाउ फर्दर इलस्ट्रेशन ऑन डिसंबर 31st 2011 ग्राफ मेक द फॉलोइंग एंट्री टू रिकॉग्नाइज द इंटरेस्ट रेवेन्यू. नाउ द इंटरेस्ट रेवेन्यू अगेन एंट्री वुड बी द सेम, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्यों, दिसंबर आ गया, दिसंबर 31st, पेमेंट कब होनी, जनवरी 1 को, तो दिसंबर 31st को क्लोज नहीं करना, जब क्लोज करेंगे तो हम तो रिसीवेबल में डाल देंगे इसे, इसमें डाल देंगे रिसीवेबल में. द इंटरेस्ट रिसीवेबल 5000, डेट इन्वेस्टमेंट 703 जो टेबल में से हमने पिक की है, एंड इंटरेस्ट रेवेन्यू 4297, एंड ग्राफ रिपोर्टेड द फुल इंटरेस्ट रेवेन्यू ऑफ 2009 एज 8621. क्यों, पिछले साल पिछली दफा का भी 4234 एंड देन 4297 दोनों को ऐड करें तो 4324 प्लस 4297 दैट इज द होल इंटरेस्ट रेवेन्यू रिकॉर्डेड इन योर इनकम स्टेटमेंट ऑफ 2009. Further, to apply the fair value method to these debt securities, assume that at the year end, the fair value will be the bond of 105,000. Now, I want to correct it in the first previous slide that there is no 2009, it's actually a 2011. So, keep in mind that it's a 2011. When it goes for the 2011 completion December income statement, they are going to show 8,921. Kaise? 4324 plus 4297. So, dono ko combine karein to takriban hamara 8,000 plus kuch cheez ban jati. That is of 2011, not of 2009. To apply the fair value method, now illustration comes to this slide. Now, to apply the fair value method to these debt security, assume that at year end, the fair value of bond is 1,05,000. Kitni fair value uski? 1,05,000. And the carrying amount is 1,06,732. Then, graph make the following entry. Ab, us time carrying amount kitni hai? 1,06,732. Theek hai na? Aur, अब उसकी ईयर एंड में उसकी वैल्यू कितनी है, एक्चुअली बॉन्ड की फेयर वैल्यू 1,05,000, इसका मतलब इतना डिफरेंस चल रहा है ना, मार्केट वैल्यू से तो मैच नहीं हुआ. और याद रखिएगा अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज हर साल के आखिर में फेयर वैल्यू पे ट्रीट करनी है, किस पे लेके आनी, फेयर वैल्यू पे, और जो भी डिफरेंस है वो उसमें से निकालना है. तो डेट इन्वेस्टमेंट को हमने रिड्यूस करके कहां लेके आना है, 1,06,732 से उठा के 1,05,000. तो इसमें से क्या मतलब है, डेट इन्वेस्टमेंट में से कुछ हमने चीजें निकालनी है. तो जब हमने उसमें से निकालनी तो डेट इन्वेस्टमेंट तो हमारा एसेट होता है, तो उसे हमने क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा. सो अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस कितने का आ रहा है, डेबिट हो रहा है 1732, और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी आ रही है 1732. नाउ रिमेंबर दैट देयर इज अ अकाउंट दैट इज नोन एज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ये एक एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है. याद रखिएगा हमारी अगर वैल्यू इंक्रीज करेगी तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है वो डेबिट का बैलेंस शो करेगी, अगर हमारी वैल्यू डिक्रीज कर गई है तो उसमें हम लोग फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे. इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ डेट इन्वेस्टमेंट बट इट्स अ सब हेड ऑफ डेट इन्वेस्टमेंट इन विच वी जस्ट गो फॉर दैट टाइप ऑफ मटेरियल इन विच वी एडजस्ट अ फेयर वैल्यू. तो इसका याद रखिए बिहेवियर एग्जैक्टली एसेट की तरह होता है, मींस इट इंक्रीजेस ऑन द डेबिट साइड एंड डिक्रीजेस ऑन द क्रेडिट साइड, यानी जब भी होगा तो वो डिक्रीज कर देगा, इंक्रीज करेगा डेबिट में और डिक्रीज करेगा क्रेडिट में. तो अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस ऑन इक्विटी दैट इज 1,07,732, दैट मींस अनरियलाइज्ड, ये अनरियलाइज्ड है ना, मार्केट में चेंज आया ना, तो इसीलिए हम लोगों ने एक हेड बनाया दैट इज अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन इक्विटी. सो व्हाट डज दैट मीन, इट्स अ लॉस, तो लॉस क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट हो रहा है, और अगर गेन होता तो ये क्या होता, क्रेडिट होता, इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से दैट इट कुड बी अ फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, और यू कैन से इट्स द बिहेवियर ऑफ लाइक अ इनकम, कि इनकम हमेशा डेबिट में क्रेडिट क्रेडिट में इंक्रीज करती है और डेबिट में डिक्रीज करती है. सो दैट इज आर डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, नाउ द फुल एग्जाम्पल यू कैन सी दैट ओवर हियर. नाउ यू कैन सी द वेबसन कॉर्पोरेशन हैज टू डेट सिक्योरिटीज क्लासिफाइड फॉर एज अवेलेबल फॉर सेल, दोनों क्लासिफाई क्या किया गया, अवेलेबल फॉर सेल. द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन आइडेंटिफाइज द अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फेयर वैल्यू एंड द अमाउंट ऑफ, यानी इसे कहते हैं पोर्टफोलियोज. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट कितने की हुई है, वॉटसन कॉर्पोरेशन में 8% बॉन्ड पे की हुई है, कितने की अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कितनी निकली थी, 93,537 पे थी. एनकॉप कॉर्पोरेशन 10% पे परचेज की थी, अमोर्टाइज कॉस्ट कितनी थी, 2,00,000 थी उसकी टोटल पोर्टफोलियो कितना है, 293 का. फेयर वैल्यू जो निकली थी उस पहले वाले की वो लिखी है 1,03,600 और दूसरे की लिखी है 1,80,400.
जो 1,03,400 है इसकी क्या है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कम है, फेयर वैल्यू ज्यादा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस दैट इज नोन एज अनरियलाइज्ड गेन और लॉस। गेन कितना हुआ इसका मतलब है 10,063 का, और नीचे लॉस कितना का हो रहा है हमें, दैट इज ऑफ 19,600। तो जब मैं नेट अनरियलाइज्ड गेन या लॉस निकालूंगा या नेट निकालूंगा रियलाइज्ड वैल्यूज, तो क्या करूंगा इन दोनों को एडजस्ट करूंगा, तो कितनी वैल्यू आ रही, 9,537। एंड अब यहां पे देखें तो ये बैलेंस हमारे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में डेबिट साइड पे आ रहा होगा या क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा, ये बैलेंस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में डेबिट साइड पे आ रहा होगा या क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा, क्यों, लॉस या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का ज्यादा है, यानी कि एसेट ज्यादा चला गया है, ज्यादा वैल्यू का चला गया है और डेबिट कम का हुआ है, तो ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस देगा। हम लोग तो एसेट में कहते हैं या तो डेबिट बैलेंस होगा या होगा ही नहीं, यहां पे याद रखें क्रेडिट बैलेंस एग्जिस्ट कर सकता है व्हेन देयर इज मोर अनरियलाइज्ड लॉसेस देन गेन्स, बिकॉज ये एसेट की तरह ट्रीटमेंट है, बट मे बी इट गोज इन द क्रेडिट बैलेंस। ये आ गया क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है इस पे, ठीक है। फर्दर वेब मेक्स द एडजस्टिंग एंट्री टू द वैल्यूएशन अलाउंस ऑन December 31st, 2012 टू रिकॉर्ड द डिक्रीज इन वैल्यू टू रिकॉर्ड द लॉस एज फॉलो। अब जो लॉस निकाला है 9,537 का, उसको रिकॉर्ड भी तो करना है ना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या थी, क्रेडिट हुई भी थी, तो दैट मीन्स अनरियलाइज गेन और लॉस, अब ये मैंने क्या कहा था इनकम का पोर्शन, तो इनकम हमेशा डेबिट में डिक्रीज होती है, तो इतने की हमारी इनकम डिक्रीज कर गई और नीचे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इज 9,537। वेब रिपोर्ट द अनरियलाइज होल्डिंग लॉस ऑफ 9,537, जो मैं भी लॉस की बात कर रहा हूं, इनकम होती तो क्रेडिट में आ जाती, एज अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम और रिडक्शन इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, यानी दो तरह काम कर रहा है, यानी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी भी रिड्यूस कर रहे हैं और नेट इनकम या कॉम्प्रीहेंसिव इनकम की डिक्रीज भी कर रहा है, यानी उसी में रिपोर्ट होके वहीं पर रिडक्शन इन शेयर होल्डर्स इक्विटी शो कर रहा है। देन सेल्स ऑफ अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, यानी अब सेल्स ऑफ अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी कहेंगे, इफ द कंपनी सेल बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी डेट मस्ट मेक एंट्री टू रिमूव कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, उसको कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल को रिमूव करना है, एंड सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट उसको भी एडजस्ट करना है, अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑन सेल इज रिपोर्टेड इन अदर एक्सपेंसेज और लॉस सेक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, किसमें जाता है, अदर एक्सपेंसेज या लॉस के स्टेटमेंट में जाता है। सो यू कैन सी दैट ओवर हियर अमोर्टाइज का और कितनी 9,4, यू कैन एग्जांपल यू कैन सी दैट वेब कॉर्पोरेशन सोल्ड वॉटसन बॉन्ड्स फॉर रजिस्ट्रेशन 17-7 ऑन July 1, 2013 फॉर 90,000, कितने का, $90,000 का, एट विच टाइम इट हैज अमोर्टाइज एट 94,000, यानी सेलिंग प्राइस 90,000 की थी, अमोर्टाइज कॉस्ट कितनी थी उसके पास 94, यानी जो अमोर्टाइज या बुक वैल्यू पे कॉस्ट है वो है 94,214 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो 90,000 है, तो दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाला, दैट इज 4,214, दैट इज द लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड, जो हमें लॉस हो रहा है, तो कैश 90,000 फर्स्ट वन, देन लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड दैट इज देयर एंड डेट इन्वेस्टमेंट वुड बी रिकवर्ड बाय 94,000, क्यों, डेट इन्वेस्टमेंट जितने की गई थी उतने की वापस आएगी, तो कैरिंग वैल्यू अगर 94,214 थी तो उतने से ही वापस आएगी, और लॉस को हम एज अ एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके सेल्स में डाल देंगे। Now, further, web reports this realized loss in other expenses and losses section of income statement, assuming that no other purchase of sale of bond would be done on 2013. Now, उसने क्या किया, जितने भी हमारे पास वेब के थे वो सारे के सारे हमने क्या, वॉटसन के जितने भी थे वो हमने सारे के सारे क्या किए, सेल आउट कर दिए 90,000 के और लॉस उसे रिकनाइज कर लिए। नाउ क्या बचा पीछे, एना कॉम्प रह गया ना, दो लाख का एना कॉम्प रहता है, फेयर वैल्यू कितनी थी 195,000, कितने का डिफरेंस आ रहा था, 5,000 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा था, लेकिन पुराना हमारे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी थी, वो भी तो रखनी है ना, प्रीवियस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वो कितने की, 9,537 की, इफ यू रिमेंबर आवर प्रीवियस होल कंप्लीट थिंग इन द प्रीवियस स्लाइड्स, यू एज वी हैव सीन दैट दैट इज ऑफ 9,537 इन द स्लाइड नंबर 28, यू हैव ऑलरेडी सीन देयर, तो ये तो हमने फॉरवर्ड लेके आनी, बेशक हमने सारा का सारा उसे सेल कर दिया हो और हमने रिकॉर्ड भी कर लिया फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में, उसके बाद हमने सेल किया हो तो हमने उसकी सारी की सारी एंट्री भी पास कर दी हो, लेकिन उसके बाद हमारे पास हमने उसको तो एडजस्ट करना है,
सो दैट मीन्स वी हैव टू सी कि व्हाट वुड बी आर टोटल. तो नीचे देखें तो वहां पे आ रहा है क्रेडिट बैलेंस, और ऊपर क्या आ रहा है यहाँ पे, ऊपर 5000 का आ रहा है. तो इसका मतलब है 5000 यहाँ पे रहेगा, और पीछे 9000 में से हम बैलेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ 4537, दैट इज ऑफ अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस. यानी जितने भी हमारे पास अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस हैं, उसी को देखेंगे कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने की रिक्वायर्ड है. 5000 तो इसके पड़े, पीछे बचा कितना, 4537, सो दैट नीड्स टू बी एडजस्टेड, इसे हमने एडजस्ट करना है. सो दैट इज आर होल थिंग, जो हमने सामने आया कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी है हमारे पास, 4537 की. और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, अब देखें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने की आ रही है, 44,537 की. तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी होगी, डेबिट में आ जाएगी, और अनरियलाइज्ड गेन ऑन इक्विटी साइड पे कितना आएगा, 4,537 ऑन द क्रेडिट साइड. दैट मींस दैट इज बीइंग यूज्ड. यानी ऑटोमेटिकली फेयर वैल्यू का अकाउंट हर थोड़े यानी हर ईयर एंड पे दोबारा चेंज हो जाएगा, यानी उसे हमने दोबारा अपने लेवल पे लेके आना है. मींस टू से कि देखें जितनी अमाउंट से हमारे पास क्रेडिट हुआ था ना, उतनी अमाउंट से गौर से देखें डेबिट हो रहा है. अब अगर मैं 9,537 में बस क्रेडिट में था, और मैं डेबिट में कर रहा हूं 4,537, इसका मतलब है एट द एंड मेरे पास क्रेडिट बैलेंस क्या बचेगा, 5,000 का बचेगा, और यही मुझे चाहिए. बिकॉज ये जो 4,537 है, ये पिछले एसेट का था, तो पिछले एसेट का जो मुझे लॉस होना चाहिए, फेयर वैल्यू का लॉस होना था, वो तो नहीं हुआ. सो दैट ऑटोमेटिकली बीइंग कन्वर्टेड इनटू आवर इनकम, और यू कैन से अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस ऑन इक्विटी. तो ये हमारे पास अब एग्जैक्टली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी आ गई, दैट इज 4,537. नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन, जब भी हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन की, दैट वुड बी प्रेजेंटेड लाइक दिस, बैलेंस शीट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट, अवेलेबल फॉर सेल, स्टॉक होल्डर, इक्विटी में स्पेशल आता है जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लॉस या क्यूमुलेटेड, अदर रेवेन्यूज एंड गेन्स जो आते हैं वो इंटरेस्ट रेवेन्यू में आते हैं, एक्सपेंसिस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीजें इसमें इनकम स्टेटमेंट आती है. मीन्स टू से देयर इज अ फाइव इफेक्ट्स फॉर दिस स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन. नाउ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, दे आर ऑल्सो बींग मेजर्ड ऑन फेयर वैल्यू. Unrealized holding gain and loss reported as a part of net income. इसमें part किस तरह report होते हैं, as a part of net income. Any discount and premium would be amortized. Again, वही है. Western Publication determined the its trading security portfolio as follows. That is their trading security portfolio. Burlington Northern 10% bonds, GM Corporation 11% bond, Time Warner 8% bond. फर्स्ट वन कॉस्ट कितना है, 43,860, देन 184,230, देन 86,360. दैट इज आर टोटल कॉस्ट. फेयर वैल्यू क्या है, 51,500, 175,200, 91,500. नाउ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस, पहले में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 7,640 का, देन लॉस ऑफ 9,030, देन अगेन गेन ऑफ 5,140. सो द टोटल गेन इज ऑफ 3,750, दैट इज अ डेबिट बैलेंस. क्यों, गेन ज्यादा है, एसेट्स ज्यादा है. सो दैट मीन्स दैट इज आर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स. नाउ अगेन यू कैन सी दैट the things are remains the same, that is the whole unrealized gain and the fair value makes the following adjusting entry. Adjust kya karna hai, usne fair value adjust karni hai. Fair value kisme karega, debit aur unrealized gain and losses income 3750, yani kisme kar dega wo 3750 mein kar dega. And you, if you see in your previous slides, that there was written as an equity, means to say koi cheeze equity mein adjust ho rahi hain, usme sari ki sari cheeze, as you have seen in the previous slides, जितनी भी एंट्रीज थी जिसमें हम लोग यही चीज कर रहे थे जो हम लोग अभी कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो थी अवेलेबल फॉर सेल जो थी वो किसमें एडजस्ट हो रही थी, इक्विटी में एडजस्ट हो रही थी. किसमें हो रही थी, अन इक्विटी में एडजस्ट होती जा रही थी. एज यू हैव सीन इन, यू कैन सी दैट देयर दिस वन इज ऑल्सो बींग ऑन द इक्विटी साइड, यानी एवरीथिंग ऑन द यू कैन से अवेलेबल फॉर सेल वुड बी एडजस्टेड इन द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन अ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टाइप थिंग, एंड और इन अनरियलाइज्ड गेन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी. यानी कि अनरियलाइज्ड गेन हमेशा इक्विटी को कर रहा था, क्रेडिट या डेबिट, और यहां पे जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी वो ओवरऑल आपकी एसेट्स को डिक्लेयर कर रहा था. बट यहां पे अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस किसमें क्लोज हो रहे हैं, इनकम में, बिकॉज एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड्स, वो किसमें अफेक्ट कर रहा होता है, नेट इनकम को अफेक्ट कर रहा होता है, अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉसेस. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग सिक्योरिटीज एंड अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज. तो यहां पे आ रहा है 3750 को हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में डाल दिया एज अ गेन. नाउ
Let's see, Hedrick Corporation purchased trading investment bonds for $50,000 at par. Par पे purchase किए December 31st. Hedrick received annual interest of 2000. कितना receive किया उसने? $2000 का annual interest receive कर रहा है. And fair value of bond is 47,400. Prepare general entry for purchase of interest of investment. Prepare general entry to for interest receive and prepare general entry for fair value adjustment. यानी ये तीनों काम हमने करने हैं. So starting with it, prepare the journal entries. First of all, purchase of investment, interest received and fair value adjustment. In तीनों की हमने prepare करनी journal entry. First debt investment, then again cash 50,000 हमारे पास आ गया. Then first B part, interest received 2000, cash is there and interest revenue is 2000. And then we have unrealized holding loss or income. यानी जो भी unrealized loss or income है वो कितना है हमारे पास? 2600 है. As we have seen it there, that the fair value is of 47,400. तो इसका मतलब 50,000 और 47,400 में कितना difference था? 2600 का. तो इसका मतलब है that is unrealized gain or loss on income और fair value adjustment इतनी amount से credit में आ जाएगी. तो वो credit में आ गई है. That is for the trading securities. Investment in equity securities. Now moving we towards the investment in equity securities represent ownership and capital stock. As we already know, cost includes price of security plus broker's commission fee and free related purchases. Yani ye sari cheeze aati hain cost mein, ke price of security aa sakti hai aur brokerage commission fee aa sakti hai. The degree to which one corporate acquires the interest in the common stock of another corporation generally determines the accounting treatment for the investment. जितनी amount का आपने ownership ली है वो बताएगी कि आपके साथ कौन सी type की treatment होगी या कौन सी type of treatment आपके इस account के साथ होगी. यानी subsequent to acquisition कितना acquire कर रहे हैं. जब acquire कर रहे हैं तो दो तरीके हैं. 20% या तो hold कर लें ownership percentage. तो हम लोग कहेंगे no significant influence usually exist. Investment valued at fair value method. Fair value method use करेंगे इसके अंदर. Significant influence usually exists. तो कौन सा method use करेंगे? Equity method. जिसमें fair value adjustment किसमें कर रहे होते थे? Unrealized gain or losses on the basis of equity. और 50 to 100 है तो इसमें क्या गए? Investment valued on parents book using cost method or equity method. यानी investment value किस पे कहेगी? Parents book using cost method या equity method. Investment eliminated in consolidation. यानी हम इसके लिए दोनों method use करेंगे. कौन से? Cost method and equity method. First let's see. Holding less than 20% available for sale and trading. दोनों इसमें क्या आता है? Less than 20% के अंदर आता है because both are will be measured on fair value. दोनों fair value पे measure होंगे तो हम कहेंगे that means recognize at other comprehensive income, recognize at net income. ठीक है? और दोनों इसी category में आते हैं holding less than 20% वाले में. Dividend declared gain or loss from sale. Dividend declared gain and loss from sale. लेकिन जब holding between 20% to 50% तो ये किस में आएगी? Equity पे होगी. Valuation on the basis of equity. Not recognized. इसे recognize नहीं किया जाए gain और loss को. And proportionate share of investees net income. यानी proportionate share of net income और investees को हमने इसमें देखना है. यानी साथ साथ adjust करना है. Holding more than 50% consolidation and not recognized, not applicable इसमें भी आएगा. Now accounting subsequent to acquisition, market price available, fair value method होती है, value of report of investment being the cost of method, यानी value and report the investment using cost method, जितनी cost आ रही उसी पे करेंगे. Securities are reported at cost, dividends are recognized when received or gain and losses only recognized on the sale of securities. का हमेशा तब recognize करनी है when there is a sale of securities. Now first of all, holding less than 20% available for sale securities है. सिंपल सा केस है. एग्जांपल देखिएगा. ऑन नवंबर 3 2012 रिपब्लिक कॉर्पोरेशन परचेज्ड कॉमन स्टॉक ऑफ थ्री कंपनीज. ईच इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट लेस देन 20% इंटरेस्ट. कितना कर लेस कर रहा है? लेस देन 20% ऑफ इंटरेस्ट. नॉर्थ वेस्ट इंडस्ट्री इनकॉर्पोरेशन, कैंपबेल सोप कॉर्पोरेशन, सिट रेगिस पल्प कॉर्पोरेशन. टोटल कॉस्ट इज 7,18,550. दैट इज द टोटल कॉस्ट. एंड नाउ फर्स्ट वन, रिपब्लिक रिकॉर्ड दीज इन्वेस्टमेंट ऑन नवंबर 3 2012 एज फॉलो. किस तरह रिकॉर्ड करेगा? इक्विटी इन्वेस्टमेंट 718,550 एंड कैश दिस मच. यानी कि उसने कहा जी इस तारीख को हमारा इतना था तो हमने कहा जी इतने कैश और इतनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है. ऑन डिसंबर 6 रिपब्लिक रिसीव अ कैश डिविडेंड ऑफ 4200 फ्रॉम कैंपबेल को. कैसे रिकॉर्ड होगा कैश डिविडेंड? देखिए, कैश डेबिट, डिविडेंड रेवेन्यू, क्रेडिट. यानी ये हमने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली होल्डिंग लेस देन 20% में.
इलस्ट्रेशन अगेंस्ट यू कैन सी दैट सब चीजें वही हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे अनरियलाइज्ड गेन और सेल भी आ गई। पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो भी था उसमें भी तो गेन और सेल को नहीं लाए थे। रिपब्लिक्स अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी पोर्टफोलियो ऑन डिसम्बर, ये भी आ गया और साथ फेयर वैल्यू भी ले ली। नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड फॉर वॉट योर ओवरऑल अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेज। अभी तक हमने क्या रिकॉर्ड किया था, सिर्फ उसकी परचेजिंग रिकॉर्ड की थी लाइक दिस, और उसके बाद हमने उसका रेवेन्यू डिविडेंड रिकॉर्ड किया था। नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड योर रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गौर से देखें यहां पे, तो जितना भी आ रहा है 15,313,5,000 यानी टोटल में नेगेटिव में आ रहा है, दैट मींस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हैज क्रेडिट बैलेंस। कितना आएगा उसके पास, क्रेडिट बैलेंस आएगा। किस तरह एडजस्ट करेंगे देखिएगा, अगेन किस में आता है, अनरियलाइज्ड गेन इक्विटी अकाउंट को हिट करता है। किसको हिट करेगा, ये इक्विटी अकाउंट करता है जब भी अवेलेबल फॉर सेल की बात करते थे। तो अवेलेबल फॉर सेल की बात की तो कितना है 35,550, यानी इतने से इक्विटी जो आपकी रिड्यूस हो गई और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्रेडिट होगी, यानी ये एक्चुअली इक्विटी को रिड्यूस कर रहा है, यानी अदर वर्ड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को अफेक्ट कर रहा है। ऊपर लिखा हुआ है फेयर वैल्यू अवेलेबल फॉर सिक्योरिटी इज एन अनरियलाइज्ड गेन इक्विटी अकाउंट, यानी चेंज इन फेयर वैल्यू, जितनी भी फेयर वैल्यू में चेंज आएगी वो किस में एडजस्ट होगी, इक्विटी में एडजस्ट होगी। नाउ अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, फर्दर एग्जांपल देखें, हमने सेल कर दिया नॉर्थ वेस्ट को, कितने का सेल किया, नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल कितने आए 287,220 का, और कॉस्ट कितनी थी 259,700, टोटल गेन कितना है 27,520। नाउ वी आर गोइंग टू एडजस्ट दिस वन। अब ये एडजस्ट किसमें होगा देखिएगा, कैश इतना रिसीव हुआ है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितनी 259 प्लस गेन, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किसमें जाके एडजस्ट होगा, नेट इनकम में होगा, एंड दैट वुड बी एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल पे जब भी इन्वेस्ट करेंगे। सो नाउ वी हैव ओनली थ्री थिंग्स, कॉन्टिनेंटल ट्रकिंग देयर इज, यानी कि उसने एक नया परचेज कर लिया 12.75 पर शेयर पे, प्लस ब्रोकरेज कमीशन ऑफ 18,750, टोटल कॉस्ट 256,850, नया परचेज की उसकी फेयर वैल्यू निकाली है। नाउ वी हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ व्हाट, अब देखें यहां पे पहले कितनी आ रही 64,250, दैट इज डेबिट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और दूसरी कितनी थी टोटल में क्रेडिट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तो अब क्या करना है, उसने पुरानी को रिमूव भी करना है और नई को बनाना भी है। If I'm going to draw T account, क्या मैं draw करूं T account draw करूं, तो T account draw करूं तो मेरे पास पहले कितना था 64,000 था, पहले कितना था मेरे पास क्रेडिट बैलेंस था 35,000। Now if I am going to have a balance of debit of 64,000, तो इसका मतलब है मुझे पुराने 33 को भी कैंसिल करना पड़ेगा और नए 64 को भी एंटर करना है। तो एट द एंड मुझे दोनों को ऐड करके इतना डेबिट में डालना है ना, ताकि वो जो ऐड करके डेबिट में डालूंगा ताकि उसे क्रेडिट जो साइड है वो उसे एडजस्ट करे, और एडजस्ट करने के बाद मेरे पास आंसर कितना आए 64,250। तो उसके लिए मुझे कितने का डेबिट बैलेंस लगाना पड़ेगा 99,800, जिसमें से जब मैं क्रेडिट से उसे एडजस्ट करूंगा, क्रेडिट में जितना अमाउंट था 35,550 उसमें से निकालूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए 64,250। सो दैट्स व्हाई दैट मच बीइंग क्रेडिटेड, सॉरी डेबिटेड। So that is our being said there. और क्या एंट्री करेंगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डेबिट एंड अनरियलाइज गेन एंड लॉस ऑन एक्विटी, ये किस पे एडजस्ट हो रहा है, एक्विटी में हो रहा है, तो 99,800 पे एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। Now let's see another example. Well, you have holding of less than 20%, again there is company has McElroy company has a following portfolio of security at September 30, 2012 its last reporting date. क्या क्या आ रहे हैं, 5,000 शेयर्स एक के थे, कॉस्ट फेयर वैल्यू है ऑन October 10, 2012 द हॉटन शेयर्स वर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ, हॉटन को शेयर सोल्ड कर दी गई है $54 पर शेयर, इन एडिशन 3,000 शेयर्स ऑफ पेट्रियट कॉमन स्टॉक वर एक्वायर्ड एट 54.50 पर शेयर ऑन November 2, 2012 द December 31st फेयर वैल्यू ऑफ मॉन्टी की फेयर वैल्यू कितनी है आपके पास 106, पेट्रियट की फेयर वैल्यू कितनी है 132 एंड ऑकवुड की है 193,000, ये फेयर वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द सेल परचेज एंड एडजस्टिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू ट्रेडिंग सिक्योरिटी इन द लास्ट क्वार्टर, जो भी परचेज एंड सेल के बाद सिक्योरिटीज हुई हैं उनकी अपने जनरल एंट्रीज करनी है। हॉटन इनकॉर्पोरेशन 215 थी जो एग्जिस्टिंग था हमारे पास, हमने सबको ऐड किया, उसमें से सबसे पहले हमने अनरियलाइज्ड गेन और लॉस निकाला है, तो वो निकाला तो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का। देन ऑन अक्टूबर 10 हॉटन को क्या करना है, हमने सेल आउट कर रहे हैं,
कैश कितना है 5,054, 270,000. इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई थी 215 की, तो बाकी क्या आएगा गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो बिक गया. नवंबर 2 को पैट्रियट आया, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितनी की 3,054 के हिसाब से 163,500 और कैश गया 163,500 का. सो द न्यू वन ये हमारे पास आ गया मॉन्टी ऑकवर्ड पैट्रियट, जो भी हमारे पास थे हमने लिख दिया और फेयर वैल्यूज साथ लिख दी. अनरियलाइज्ड गेन साथ आ गई 27,000, 13,000, 31,000, 45,000 और पुराना कितना था हमारे पास 9,000. मीन्स टू से कि अब मेरे पास पुराना बैलेंस 9,000 क्रेडिट था, अब मुझे क्रेडिट कितना होना चाहिए 9,000 प्लस 45, मीन्स इन अदर वर्ड्स टोटल बैलेंस जो मेरे पास क्रेडिट में आना चाहिए दैट इज ऑफ 36,500. कितना आना चाहिए 36,500, बिकॉज पुराना फेयर वैल्यू तो गया, उसमें तो प्रीवियस भी था ना जो हमने भी बेच दिए हॉटन. अब 45,500 इस दफा का मेरा क्या आना चाहिए क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए. तो इसका मतलब है 9,000 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बाकी जो बचा वही मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि मेरा क्रेडिट बैलेंस कितना हो जाए 45,500. तो उसके लिए मैंने कितना अमाउंट निकाली 36,500. तो अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस 36,500, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्रेडिट 36,500. तो ये मैंने क्या कर दिया अपनी फेयर वैल्यू को एडजस्ट कर दिया, दैट इज बीइंग फॉर होल्डिंग ऑफ लेस देन 20%. नाउ होल्डिंग ऑफ लेस देन 20% हाउ वुड द एंट्री चेंज इफ सिक्योरिटीज आर क्लासिफाइड एज अवेलेबल फॉर सेल, यानी किस तरह का चेंज आएगा अगर कोई सिक्योरिटी क्लासिफाइड एज अवेलेबल टू सेल हो या इसे ट्रेडिंग सिक्योरिटीज में ले जाएं. द एंट्री वुड बी सेम एक्सेप्ट द अनरियलाइज्ड गेन और लॉस ऑफ इक्विटी अकाउंट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अनरियलाइज्ड गेन और लॉस सेल्स. यानी कि पहले एक एंट्री क्या थी, सिक्योरिटीज को पहले इनकम में कर रहे थे, लेकिन जब हम अवेलेबल फॉर सेल पे लेंगे तो किसको अफेक्ट कर रहा होगा, इक्विटी पे अफेक्ट कर रहा होगा. द अनरियलाइज्ड होल्डिंग लॉस वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन रादर देन चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट. बाकी जगह पे ये चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट होता है, बट अवेलेबल फॉर सेल में इट्स रिलेटेड टू इक्विटी. होल्डिंग बिटवीन 20% एंड 50%, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20% और मोर voting stock of investee should lead to presumption that in the absence of evidence of contrary investment have a significant influence over the investee. Yani ye transaction wo hai jo investee ko significant influence karegi. In the instance of significant influence the investor must account for investing using equity method. Kaun sa method use karenge? Equity method. Equity method mein kya karenge? Investors proportionate shares of earning dividend received by investors. Yani ke proportionate karega share of अर्निंग्स में एंड रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट एंड सबसीक्वेंटली एडजस्ट फॉर ईच ईयर पीरियड. और हर ईयर पे हम लोग ऐसे ईच ईयर पे एडजस्ट भी करेंगे. इफ इन्वेस्टर शेयर्स द इन्वेस्टी लॉस एक्सीड द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर द इन्वेस्टर ऑर्डिनरली डिसकंटिन्यू एंड अप्लाइंग द इक्विटी मेथड. लेट्स सी विद द एग्जांपल सो यू गेट अ क्लियर आइडिया व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ऑन जनवरी 1, 2012 मेरेडिथ कॉर्पोरेशन परचेज 25% ऑफ कॉमन शेयर्स ऑफ पैट्रियट पायरेट कंपनी फॉर $200,000 ड्यूरिंग द ईयर. पायरेट अर्न नेट इनकम ऑफ 80,000 पेड डिविडेंड ऑफ 20,000. प्रिपेयर द एंट्रीज ऑफ फॉर मेरिडिट टू रिकॉर्ड परचेज एडिशनल एंट्रीज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट. सो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू थ्री परचेज हुई है, देन उसके बाद कॉमन शेयर उसने परचेज किए 200,000 के एंड देन पायरेट की नेट इनकम 80,000 थी और पे कितना किया गया डिविडेंड 20,000. तो फर्स्ट वन एंट्रीज पर करेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट. देन इक्विटी इन्वेस्टमेंट 20,000 एडिशनल हो गई क्योंकि वो भी क्या है हमारा डिविडेंड में आ रहा है, तो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू कितना आ गया हमारे पास 20,000 एडिशनल आ गया. दैट इज आर एक्चुअल डिविडेंड. ठीक है, देन फर्दर कैश 5,000 एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट 25%. यानी अब क्या किया हमने 20,000, यानी कि जब भी हमने कहा जी कि हमारे पास कितना था 80,000 की इनकम हुई थी, जब 80,000 उसकी इनकम हुई तो कितने परसेंट आपके हिस्से में आया, वो आया आपके हिस्से में 50%. ऊपर वाली एंट्री देखें इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेवेन्यू, 80,000 की इनकम है. अगर मैं 25% शेयर्स होल्ड करता हूं किसके, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, किसके पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, सो इट मींस कि मेरा इनकम में कोई मेजर हिस्सा है. मैं 80,000 का 25% का मैं ओनर हूं, तो इसका मतलब है मेरी जो ओवरऑल शेयर होल्डर्स वेल्थ है वो 25% इंक्रीज कर गई है. तो इसीलिए मैंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट 20,000 से इंक्रीज कर दी थी. देन इन द नेक्स्ट एंट्री आई एम गोइंग टू सी द व्हाट द डिविडेंड इज, और डिविडेंड को मैंने क्या किया, डिविडेंड तो मुझे मिलेगा, तो इसका मतलब है अगर 20,000 टोटल इनकम मेरे पास आ रही है तो उसका मैं कितना लूंगा 20% है, क्योंकि 20,000 तो उसने टोटल डिविडेंड दिया है ना,
20,000 तो उसने क्या किया, ओवरऑल डिविडेंड दिया है, उस टोटल डिविडेंड में से मेरा हिस्सा कितना हुआ 5,000, क्योंकि 25% था ना, तो कैश कितना आ गया 5,000 एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई 5,000. सो दैट लीड्स टू आर एंट्री ऑफ दैट इज कैश टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट. यानी आपका आप देखें, गौर से देखें इसमें, जब बिटवीन 20-50% आया तो मैंने क्या किया, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, हर चीज मेरी इनकम भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, और मेरी कैश भी जो निकाल रहा हूं वो भी मैं किसमें से निकालू, इक्विटी इन्वेस्टमेंट से निकाल रहा हूं. बिकॉज देखिए 80,000 तो मेरी इनकम थी जो मैंने पार्ट लगा दी इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, जो बाकी जो मेरे पास आया है ओवरऑल वैल्यू ऑफ डिविडेंड वो भी तो मेरी इक्विटी इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, मैंने इनकम रखी है ना उसमें, तो इसका मतलब मेरी इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस की है बाय 5,000 बिकॉज आई हैव यूज डिविडेंड ऑफ 5,000, वो मुझे कैश के तौर पर रिसीव हुआ है. सो दैट वुड बी एंट्रीज पास्ट व्हेन वी टॉक अबाउट holding between 20% and 50%. First, equity investment to cash, then again equity investment debit, interest investment revenue credit, and then cash to equity investment for dividend. Holding more than 50%, जब more than 50% hold करें तब क्या होता है, controlling interest आ जाता है. When one corporation acquires voting interest more than 50% in another, तो सारी बात है उसका control आ गया, 50% ज्यादा होगा तो कोई भी वहां पे कहेगा, कहेगा अगले दिन हिसाब दो मेरी कंपनी का, ये तो मैं कंपनी मेरी होगी क्योंकि 50% का तो ओनर मैं हूं, है कोई 50% ज्यादा का ओनर तो मेरे सामने आए. Investor referred to as parent, parent बन जाता है वो, investee is referred to as subsidiary. Investment is in the subsidiary is reported on the parent book and long term, यानी वो कंपनी आपकी हो जाती है. Parent generally prepare consolidated financial statement, फिर आप अपनी कंपनी के साथ उसे जोड़ के इकट्ठा करके consolidated पेश करते हैं. Means to say कि वो आपकी कंपनी आपके हाथ से निकल जाती है. So that's the end of the today's lecture. What we have studied today is the what the how the debt securities are managed, how the equity securities are managed, debt securities we have studied about the held to maturity securities, then we have studied about the available for sale, and then we have studied about the tradings one. Tradings always be have the effect on the net income, available for sale have effect on the equity, and held to maturity has a totally different effect. So that's the end of the today's lecture. Allah Hafiz.